हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चों देखो, आपने पिछले वीडियोस में आपने चार्ज के बारे में पढ़ा, और जब चार्ज फ्लो करता है तो आपने ये पढ़ लिया कि भाई जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहाँ से हमारी करंट का जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, करंट हमारी वहाँ से अब चल रही है ना। तो इस तरीके से आपने ये सारी बातें पढ़ ली थी। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। अब ये जो एक हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका अगर आप सिंपल सा अगर एक डेफिनेशन देखो तो ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट फोर्स। अब ये है क्या चीज, मान लो कुछ बच्चे ये डेफिनेशन पढ़ लिए तो आपको केवल डेफिनेशन से मतलब नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे वर्क डन कहाँ से आ गया, है ना, यहाँ पे फोर्स कहाँ से आ गया। तो ये कई सारी यहाँ पर बातें हैं जिन्हें हमें समझने, मतलब जिन्हें हमें समझना है। अरे मेरी बातें समझ में ना, कि आपने ये डेफिनेशन तो पढ़ लिया, हाँ ये डेफिनेशन आप जानते होगे, पढ़े होगे आपने, ये चीज रटी होगी क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट फोर्स, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हम ये, आप ये भी जानते हो, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। लेकिन सर एग्जैक्टली ये चीज है क्या, कैसे समझा जाए इसको? सपोज करो, देखो अब हम इसको समझते हैं कि सर ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली है क्या। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी क्लास नाइन्थ में, आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, आपने पढ़ा था ना कि बेसिकली एनर्जी आपके दो टाइप्स की होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना, आपने ये पढ़ा था। तो देखो पोटेंशियल का मतलब क्या है, सपोज करो सर कि मेरे पास कोई एक ऐसी इतनी बड़ी कोई टैंक है, ठीक है, इतनी बड़ी कोई क्या है, एक टैंक है, और मान लो कि इस टैंक में हमने इतना पानी भर दिया है, ठीक है, और मेरे पास एक दूसरी टैंक है, सेम उतना ही बड़ा कोई एक दूसरा टैंक है, और इस टैंक में मैंने मान लो चे इतना सा पानी भर दिया है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, बताओ कि भाई किसकी पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आप कहोगे ना कि ये हमारी हाई पोटेंशियल है। आ रही बातें क्या समझ में, ये हमारी हाई पोटेंशियल है, ठीक है, और ये हमारी लो पोटेंशियल है ना। पोटेंशियल एनर्जी आपको याद है कि जब आप बहुत ज़्यादा ऊपर रहते थे, आप बहुत ज़्यादा अगर किसी बहुत बड़े मतलब आप बहुत बड़े बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और आपका एक दोस्त है वो छोटे से बिल्डिंग पर खड़ा है, वो छोटे से घर के ऊपर, छत के ऊपर खड़ा है, तो क्या कहोगे, आपकी जो पोटेंशियल होगी, आप क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पर खड़े हो तो आपकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी, और जो आपका जो फ्रेंड जो छत पर खड़ा है उसकी पोटेंशियल कम होगी। आ रही मेरी बातें समझ में? तो ये हमने कह दिया कि इस केस में हमारा ये जो है ये हाई पोटेंशियल है, इसके पास हाई पोटेंशियल है और इसके पास लो पोटेंशियल है। अच्छा अब बताओ क्या होगा अगर हम इन दोनों को अगर एक दूसरे से अगर कनेक्ट कर दें, मेरी बात समझते चलना, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दें सर तो क्या होगा। तो हमने क्या किया सर, हमने इन दोनों को एक दूसरे से ऐसा है कि कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से, यूं सर मैंने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो अब देखो क्या होगा बच्चे, क्या होगा कि अब ये जो वाटर है ये क्या होगा, ये फ्लो होना स्टार्ट होगा। बताओ क्या वाटर इधर से इधर की तरफ जाएगा या वाटर इधर से इधर की तरफ जाएगा? तो आप ये देखोगे कि जो आपकी वाटर है वो इधर से इधर की तरफ जा रही है ना। तो हमने कहा कि सर हमारा जो वाटर है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, यही तो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। और ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों का लेवल, जब तक कि इस बकेट में, इस टैंक में वाटर का जो लेवल है, जब तक कि दोनों का लेवल जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक ये पानी का फ्लो होता रहेगा, ठीक है ना। और जैसे ही दोनों का लेवल इक्वल हो गया वैसे ही पानी का फ्लो होना बंद हो जाएगा। यही बातें तो होंगी ना, ये सब तो बेसिक सी बातें, आप तो ये सब इतना जानते हो। लेकिन अब मेरे को आप बात यहाँ पे एक बात ये बताओ, जैसे मान लो पहले स्टार्टिंग में कुछ पानी गया, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ पानी गया, अब यहाँ पे पानी की अमाउंट क्या होगी, बढ़ने लगी, यहाँ पे पानी की अमाउंट घटने लगी। तो क्या ऐसे जब ये बढ़ता, जब ये पानी चलता चलेगा तो क्या अभी भी पानी का जाना पॉसिबल होगा? मतलब अब धीरे धीरे क्या होगा ना कि इधर वाले जो भी पानी होंगे ना, इधर वाले जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो इसको इधर की तरफ इसको भगाएंगे, भाग जाओ तुमको नहीं आना है, भाग जाओ, है ना, इसको इधर की तरफ क्या करेंगे, इधर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे। लेकिन किसी भी तरीके से करके इधर वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो अंदर जाता ही जाएगा। अरे बातें समझ में ना, इसके अंदर ये फिर होता रहेगा। अच्छा तो इसका मतलब है आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को एक एक क्या करना पड़ रहा है, एक वर्क डन करना पड़ रहा है। किसके अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट। भाई वर्क डन को हम कहते ही क्या थे, वर्क डन को हम कहते थे ना फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये तो कहते थे आप वर्क डन को, भाई हमें फोर्स लगाना है पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस तक हमें फोर्स लगाना है, ठीक है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि भाई वाटर का मॉलिक्यूल जा तो रहा है लेकिन उसको एक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, काम का मतलब वर्क करना पड़ रहा है। तो यहां से आपको ये बात समझ में आई, अगेंस्ट फोर्स, मतलब कि आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि एक वर्क डन करना पड़ रहा है।
किसके अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है। अब ये बात तो हमने बात करी अपने पानी से रिलेटेड, हमने अपने बकेट में हमारा जो भी टैंक में जो भी पानी भरा था उससे रिलेटेड। अब समझो, सपोज करो कि यही अगर हमारी जो वाटर है, सपोज करो कि ये एज एक चार्ज की तरह आप अगर आप इसको ट्रीट करो तो चार्ज की कितना भी वही होगा। सपोज करो कि आपने कहा कि सर मेरे पास कोई एक कंडक्टर वायर थी, ठीक है, बात आ रही क्या समझ में? आपने कहा सर मेरे पास एक कंडक्टर वायर थी और मैंने उस कंडक्टर वायर में ढेर सारे चार्ज भर दिए, ढेर सारे चार्ज मैंने भर दिए। वो चार्ज कैसे भरोगे? तो आप उसको किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो क्या हो गया, उस कंडक्टर वायर में ढेर सारे चार्ज मान दो आगे, ठीक है। अब क्या करो कि अब आप उस कंडक्टर वायर से एक दूसरा कंडक्टर वायर क्या है अटैच करो, बात समझना, आप उस कंडक्टर वायर से क्या करो एक दूसरा कंडक्टर वायर अटैच करो, तो क्या होगा, सिमिलरली वही काम होगा ना कि आपका जो मतलब आपने कहा कि मेरे पास ये कोई एक कंडक्टर वायर थी जिसमें बहुत सारी क्या है, जिसमें बहुत सारी चार्जेस भरी हुई थी, अब आपने इसमें किसी एक दूसरे वायर को कनेक्ट कर दिया, तो अब ये जो चार्जेस है, अब देखो यहां पर ये हाई पोटेंशियल है, इस कंडक्टर वायर के पास क्या है, हाई पोटेंशियल है, ठीक है, हाई पोटेंशियल है, और इसके पास क्या है, लो पोटेंशियल है। तो चार्जेस क्या होंगी भाई, चार्जेस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलती है, जैसे वाटर आपकी हाई से लो की तरफ चल रही थी, तो ऐसी चार्जेस भी क्या होगी, हाई से लो की तरफ चलेगी। तो जो चार्जेस है वो हाई से लो की तरफ चलनी स्टार्ट हो गई। अब जैसे जैसे यहाँ पे चार्जेस फिल होता चलेगा, वैसे वैसे अब यहाँ पर सफिशियंट अमाउंट ऑफ चार्ज होता चलेगा। अब क्या होगा कि अब ये जो चार्जेस हैं ये इधर वाली चार्जेस के आने का अपोज करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं हम बताओ भर जाओ यहाँ से, तुमको नहीं आना है, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन फिर भी क्या होंगी, चार्जेस हमेशा क्या होंगी, चलती रहेंगी। तो अब क्या करना पड़ रहा है, इन चार्जेस को इनके अगेंस्ट यानी कि इसमें अगर उनको जाना है तो इनमें जाने के लिए उनको एक वर्क करना पड़ रहा है। आरी बात समझ में, मतलब क्या है कि जो चार्ज है इस चार्ज को हम ले जा रहे हैं, तो इस चार्ज को ले जाने में हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें एक काम करना पड़ रहा है, हमें एक वर्क करना पड़ रहा है। तो उसी वर्क को है ना, हम जो किसी एक यूनिट चार्ज को हम जब ले जा रहे हैं तो उस यूनिट चार्ज को ले जा, बात अब यहाँ से बात ध्यान समझना, किसी यूनिट चार्ज को जब हम ले जा रहे हैं, मैंने ये कहा ना कि जब हम किसी यूनिट चार्ज को मतलब किसी हम एक चार्ज को जब हम ले जा रहे हैं है ना, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें उस चार्ज को ले जाने के लिए हमें फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसी वर्क को हमने क्या कह दिया, हमारी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दिया, ठीक है ना। तो मतलब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेसिकली आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आपने ये कह दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, है ना, अगेंस्ट फोर्स। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं वी से, तो क्या कहेंगे, इट इज डिनोटेड बाई, ये समझ में आया ना बॉकेट वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टैंक वाला कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया ना, तो इट इज डिनोटेड बाई वी, इसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। और बेसिकली इसको जो एक इटली के एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था एलेसेंड्रे वोल्टा, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप इसको देख लो, है ना, एलेसेंड्रे वोल्टा, इन्होंने डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसको हम कहते हैं वोल्ट, क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपने कहा कि सर इसको हम ये तो बता दिया, तो हमने कहा सर V इज इक्वल टू, हमने क्या कहा कि हमें करना पड़ रहा है वर्क डन, बात मैंने देखो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला रखना बहुत ही आसान, याद रखना बहुत ही आसान होता है। आप कैसे कह रहे हो, आप कह रहे हो कि सर हमें एक वर्क डन करना पड़ रहा है, किसको ले जाने के लिए, चार्ज को ले जाने के लिए, मतलब एक यूनिट चार्ज को, ध्यान से सुनना, एक यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए आपको जो भी काम करना पड़ रहा है, आपको जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है, आप उसी को कह रहे हो क्या कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये बात समझ में आ रही है। मतलब आपको अभी आपने देखा था कि हाँ बेसिकली हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, लेकिन अब आपको ये पता चल गया कि नहीं नहीं चार्ज फ्लो तो हो रहा है, लेकिन उस चार्ज को फ्लो करने के लिए भी एक वर्क करना पड़ रहा है। कई सारी बातें अब आप बहुत धीरे धीरे सारे के सारे जो लेयर है ना, मतलब जो भी राज छुपे हुए हैं इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से, वो सारे के सारे आप हटा दे रहे हो ना। आपने कहा कि चार्ज फ्लो तो हो रहा था, आपने पहले वीडियो में सीखा कि नहीं चार्ज फ्लो होता है, अब आप इसमें क्या सीख, नहीं नहीं चार्ज फ्लो तो हो रहा है, लेकिन उस चार्ज को फ्लो होने के लिए उसको वर्क डन करना पड़ रहा है। भाई कोई भी चीज़ है बिना वर्क डन किए वो इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो ऐसे ही चार्ज है, चार्ज को भी अगर अपने आपको सर्वाइव करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराना है, तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, किसी चार्ज के ऊपर, है ना। तो वही मतलब पर यूनिट चार्ज को ले जाने में, जितना भी हम वर्क डन कर रहे हैं उसी को हमने कह दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे मेरी बात समझ में, अगर हम इसके बात कर ले, अगर यूनिट की बात कर ले, यूनिट की बात कर ली जाए, तो देखो यूनिट क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की आप यूनिट जूल लेते हो,
वर्क डन की यूनिट क्या लेते हो, जूल लेते हो। चार्ज है यहाँ पे स्मॉल क्यू कर लो या कैपिटल क्यू कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, चार्ज है तो चार्ज की यूनिट आप क्या लेते हो, चार्ज की यूनिट आप लेते हो कूलाम। ठीक है, तो अब इसकी आपकी यूनिट ओवरऑल यूनिट क्या हो जाएगी, तो वी इक्वल टू आपने क्या क्या दिया, वी इक्वल टू आपने क्या दिया, जूल पर कूलाम। वी इक्वल टू आपने क्या क्या दिया, जूल पर कूलाम। और इसी जूल पर कूलाम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो अगर अगर आपको कहीं ये दिखने को मिल जाए एक जूल पर एक कूलाम, तो आप इसको कहोगे वन वोल्ट। ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या क्या मतलब है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब आपको समझ में आ गया कि एक यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, बात समझ लेना। एक यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए जितना आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, इस यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए जितना भी आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, उसी को आपने कह दिया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसी बात समझो, ऐसी बात समझो, मान लो यहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं इस रूम में, इस रूम में, इस रूम में, अब इस रूम में जगह नहीं है। ठीक है ना, अब क्या है कि अब उनको एक रास्ता दिखा और उस रास्ते के थ्रू कुछ जो लोग हैं, कुछ जो आदमी हैं, वो इस रास्ते के थ्रू यहाँ जाना चाहते हैं। तो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ आदमी खुद ही है भाई, चाहते हैं कि अब यहाँ पे ये आदमी ना आ पाए, तो क्या होगा, अब इधर से आदमी जाएंगे, है ना, लेकिन इनको यहाँ से जाने दिया जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इधर वाले फोर्स लगाएंगे, मतलब एक इधर वाले ही फोर्स लगा रहे हैं, इधर वाले भी, अब इधर वाले का फोर्स ज्यादा है, तो उन्होंने एक वर्क डन किया, है ना, और वर्क डन वो कैसा है, वो इनके फोर्स के अगेंस्ट है। ठीक है, तभी वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की तरफ जा पाए। तो यही जो वर्क डन हो रहा है ना पर्टिकुलर एक आदमी को भेजने के लिए, मतलब हमें मान लो इस आदमी को भेजना है, तो इस आदमी को भेजने के लिए हमने जितना भी इसके ऊपर वर्क डन लगाया, तो है ना, मतलब एक आदमी को ले जाने के लिए, मतलब आदमी समझ लो एक हमारा एक ऐसा एक चार्ज की तरह है ना, चार्ज की तरह, तो उसी को हमने कह दिया सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे भी इतनी बातें समझे, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू, मतलब वर्क डन हम किस पर कर रहे हैं, चार्ज पर। हमेशा याद रखना कि वर्क डन हम किस में कर रहे हैं, चार्ज पर। अगर ये बात आप याद रखोगे तो आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा कि वर्क डन हम कर रहे हैं किस पर कर रहे हैं, चार्ज पर। ये हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, चलो इतना आपने नोट डाउन कर लिया। ओके सर, एक टॉपिक और हम समझते हैं, और वो क्या है, और वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है अब सर ये पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, बड़े अजीब अजीब से सर हेडिंग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपको समझ में आ गया है ना, अब एक हम बात यहां से समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। अब ये क्या चीज है, देखो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीडी। क्या कहते हैं, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, याद रखना। तो अब सर ये है क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब मेरी बात समझो, फिर से समझो। देखो आपने कहा कि क्या हो ऐसा, अगर ऐसा क्या ऐसी मतलब अगर हम ये कहें, मान लो अगर हमें कंटिन्यूसली, मान लो हम यहाँ से आदमी भरते जाएं यहाँ से आदमी हम भरते जाएं, है ना, ऊपर से आदमी को ऐसे गिराते जाएं, मतलब पानी को आदमी को नहीं, मान लो पानी को ऐसे हम गिराते चले, ठीक है। और अब क्या हो कि मान लो हम इसको यहाँ से ऊपर ऐसे बंद कर दिए, ठीक है, तो मान लो पूरी तरीके से ये तो भर गया, अब जो वाटर का फ्लो होना क्या होगा, वो रुक जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ से हम हमारी जो वाटर है वो कंटिन्यूसली इसमें आती रहे, और ये मतलब जो चार्ज का फ्लो है ना वो कंटिन्यूअसली चलता रहे। एक बात याद रखना, क्या हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, कि जो चार्ज का फ्लो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहे, ठीक है ना, चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअसली चलता रहे। तो उसको, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे ऐसे एक छोटा सा यहाँ पे आपको एक एक रास्ता बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये जो वाटर है वो इधर से निकल जाए। जब वाटर जब इधर से निकलेगा तो अब क्या होगा, देखो कंटिन्यूअसली यहाँ से जो वाटर है, वाटर का कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा। तो ये जो मतलब हमने क्या किया कि हमने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, बात समझना, हमने डिफरेंस क्रिएट किया है, तभी क्या है, तभी हमारी जो चार्ज है वो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है। मतलब कि अगर हम इस डिफरेंस को अगर इक्वल बना दें, मतलब कोई डिफरेंस ही ना रखें, यहां पर भी उतना ही, बात समझो, ऐसे हमने कहा कि सर यहां पर भी हमारे पास हाई पोटेंशियल है और यहां भी मेरे पास हाई पोटेंशियल हो गई, आगे क्या बात है समझ में, हाई पोटेंशियल हो गई। तो अगर दोनों की तरफ अगर पोटेंशियल हाई हो गया, ये भी हाई हो गया, ये भी हाई हो गया, तो क्या चार्ज का फ्लो होगा, क्या नहीं होगा चार्ज का फ्लो, है ना। तो हमने कहा कि सर हमें अगर चार्ज का फ्लो कराना है तो हमें एक डिफरेंस रखना पड़ेगा। हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें एक डिफरेंस रखना पड़ेगा। अगर वो डिफरेंस अगर कंटिन्यूअसली बना हुआ है तभी चार्ज का फ्लो हो पाएगा, अदरवाइज चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा।
ओके सर, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि फॉर कंटिन्यू फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज को अगर आपको कंटिन्यू अगर फ्लो कराना है तो वी नीड टू बैलेंस द डिफरेंस। तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, वी नीड टू बैलेंस द डिफरेंस। मतलब हमें ये जो डिफरेंस था, यहाँ पर जो हाई पोटेंशियल थी और यहाँ पर जो लो पोटेंशियल थी, ये उतनी ही अमाउंट में रहनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको एक दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बैलेंस आप जो क्रिएट कर पा रहे हो, इनके बीच का जो भी डिफरेंस है वो आप हमेशा जो रख पा रहे हो, तो इसी डिफरेंस को सर हमने कह दिया कि इसी डिफरेंस को हमने क्या कह दिया पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम कहते हैं पीडी। आगे इतनी बातें समझ में है ना, बकेट वाला एग्जांपल बढ़िया है, समझ में आ रहा है। चलो तो अब सर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। मान लो हमने कहा कि सर मेरे पास ये एक हाई पोटेंशियल था, ठीक है। ऐसे देखो, मैंने कहा कि सर मेरे पास ये हाई जो पोटेंशियल था, इसका मान लो मैंने पोटेंशियल मान लिया, मान लो मेरे पास बकेट ए है या टैंक ए है, तो इसका मैंने पोटेंशियल मान लिया वी ए। भाई पोटेंशियल है, पोटेंशियल अब आपको पता है, आपने पिछले वाले टॉपिक में आपने जब पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपने पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कैसे डिनोट करते हो, वी से डिनोट करते हो। तो मैंने कहा कि सर इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी ए है, और इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी बी है, ठीक है, वो क्या है, वी बी है। तो अगर हम ये कहते हैं, मान लेते हैं ना, हम ये मान लेते हैं कि लेट अगर हम ये कर लें कि वी ए एंड VB, है ना, आर टू डिफरेंट पोटेंशियल, आर टू पोटेंशियल, टू पोटेंशियल, तो सर इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं, ये आपका हो जाएगा VA माइनस VB, और VA माइनस VB को ही हम क्या कहेंगे, हम यही चीज कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिक सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। सो VA माइनस VB को आप VB बोल सकते हो, आपने जो भी पीछे पढ़ा था VB, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VB होगा, और इज इक्वल टू वही चीज हो जाएगा W अपॉन Q, भाई क्योंकि यहाँ पर भी तो वही चीज हो रही है, चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर भी वही चीज है, यानी कि ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का, VA माइनस VB इज इक्वल टू V कह लो या W अपॉन Q कह लो, बात एक ही है। इतनी बातें समझ में आ रही है सर, आसान है, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम है? मतलब आपको एक डिफरेंस क्रिएट करना है उनके पोटेंशियल के बीच में, मतलब वो पोटेंशियल जो डिफरेंस है ना, मतलब जो जो बेसिक जो इनके बीच में जो डिफरेंस है, ये हाई है ये लो है, तो आपको इतना ही हमेशा रखना है ना। तो अगर आप ये इतना हमेशा रख सकते हो तो क्या होगी कि आपकी जो चार्ज होगी वो कंटिन्यूसली फ्लो करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, ठीक है। जैसे देखो, जैसे ऐसे एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे आप अपने फोन को चार्ज में लगाते हो, तो भाई आपका जो फोन की अभी जो बैटरी है उसके पास अभी लो पोटेंशियल है ना, और इलेक्ट्रिसिटी है तो उसके पास बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल है, तो क्या हो रहा है, चार्ज कंटिन्यूअसली आ रहा है और आपके फोन को फिल कर रहा है, फिल कर रहा है, धीरे धीरे आपका फोन फिल होता जा रहा है, आपकी बैटरी जो है वो चार्ज के थ्रू चार्ज भर रहे हैं, है ना, वो फिल होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब चार्ज होना बंद हो जाएगा, मतलब अब वो जो पोटेंशियल जो था वो इक्वल, मतलब इक्वल तो नहीं कह सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं अब उसको चार्ज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो अब रुक जाएगा, यानी कि अब चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा। तो अब हम चार्ज आगे बात है समय में, तो चार्ज तभी फ्लो होगा, याद रखना, चार्ज तभी फ्लो होगा जब आप एक डिफरेंस बना करके रखो, ठीक है, तभी चार्ज फ्लो हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक सी बातें करते हैं, जैसे कि डायग्राम, हम यहाँ पे कुछ डायग्राम को समझने वाले, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपके मतलब आप जब तक इनको नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या चीज है। देखो, तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल सेल। अब इलेक्ट्रिकल सेल को आप अपनी कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट, आप ऐसे एक बैटरी तो बनाओगे नहीं, तो सेल को सर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सेल को रिप्रेजेंट करने का यू कुछ तरीका होगा, ठीक है, ये बना दिया, मतलब आपने अपनी कॉपी में एक सेल बना दिया, क्या बात है, ऐसा भी होता है क्या, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है इलेक्ट्रिकल सेल, ठीक है, ये जल्दी जल्दी बातें आप नोट डाउन करते चलो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने कहा सर ये एक लंबी सी पाइप, ये क्या है सर, ये मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, क्या है, आप इसको क्या कहोगे, कंडक्टिंग वायर, ओके, अरे बातें समझ में, अच्छा मैंने कहा सर मेरे पास ये है, ये तो आप बता दोगे, ठीक है, ये क्या है, तो ये आपके पास बैटरी है, है ना, क्या है ये, बैटरी है, या जिसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी कह सकते हैं, क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये बातें आप जल्दी जल्दी नोट डाउन करते चलो, ठीक है, ये बातें समझ आ रही हैं। उसके बाद आपने कहा कि मेरे पास अगर ये हो तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्लग की, क्या कहेंगे, प्लग की, ठीक है, या इसको हम कहेंगे स्विच, क्या कहेंगे, स्विच, SWITCH, ओके, स्विच कहेंगे, और ये हमारा कैसा स्विच है, ये हमारा ओपन स्विच है, तो
सर क्लोज भी फिर होगा, अगर आप ओपन बता रहे हो तो क्लोज भी होगा, हाँ भाई क्लोज भी होगा। ये आपने अगर एक डॉट लगा दिया यहाँ पे तो ये आपका हो गया क्लोज, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्लोज स्विच हो गया, ठीक है, या फिर आप इसको प्लग की कह लो। ओके, अब ये क्या है सर, एक और कुछ इस तरीके से ये आपको मिलेगा, ये एक वायर थी, ये आपको पता नहीं ये क्या है, एक वायर है, ये दूसरी वायर है, और ये दोनों वायर आपस में एक दूसरे से कैसे हो गई, ज्वाइंट हो गई। तो आप इसको क्या कहोगे, ये आप कहोगे कि वायर क्या हो गई, ज्वाइंट हो गई, वायर ज्वाइंट है ना, या फिर वायर ज्वाइंट, हाँ यही कह लो, वायर ज्वाइंट ही कह लो। अच्छा, अब मान लो सर मेरे पास एक ये वायर है और हमें इस वायर को ऐसे इसके ऊपर से कोई एक दूसरी वायर ऐसे ले जानी होगी, दूसरी तरफ ले जानी होगी, तो सर कैसे दिखाएंगे, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, सबको दिखाने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, क्या कहेंगे, ये आप लिख लो वायर क्रॉसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ेगा वायर क्रॉसिंग विदाउट, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाएगा, विदाउट ज्वाइनिंग मतलब यहाँ पे कोई वायर ज्वाइन नहीं हुआ है ना, वो उसको ऐसे क्रॉस करके गया है, ज्वाइनिंग, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ओके, फिर ये आप जानते हो, हाँ हाँ वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, अभी तो बताया था वो फर्स्ट चैप्टर में बायोलॉजी में, हाँ हार्ट ऐसा नहीं होता है, पढ़े हो ना, चार चैम्बर होते हैं, देखो तो ये आपका क्या, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, नहीं पढ़ो तो जा करके पढ़ो, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये आपका हार्ट नहीं है, चलो। अच्छा सर ये क्या है, ये तो ब्रेकर लग रहा है, हाँ तो ये ब्रेकर ही है ना, कैसा ब्रेकर है, ये हमारे करंट को रोकने वाला ब्रेकर है, जिसको हम कहते हैं रजिस्टर भी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, रजिस्टर है ना, रजिस्ट करेगा मतलब करंट को रोकने का काम करेगा, ठीक है ना, रजिस्टर है, ठीक है। ये क्या क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है रजिस्टेंस, दो बातें अभी हम इसको समझेंगे, रजिस्टेंस और रजिस्टर में क्या फर्क होता है, अभी हम इसको आने वाले टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। अब एक और चीज जल्दी से देख लेते हैं, एक और चीज है सर, ये क्या है, ये मेरे पास एक ब्रेकर था, ब्रेकर मतलब रजिस्टर था, ठीक है, और उसके ऊपर ये ऐसे क्या हो गया, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर, क्या कहते हैं, वेरिएबल रजिस्टेंस, या रजिस्टर कह लो, रजिस्टेंस ही कह लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल रजिस्टेंस, ठीक है ना, वेरिएबल मतलब जिसकी रजिस्टेंस बढ़ या घट सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, ठीक है, इसको हम और अदर लैंग्वेज में कहते हैं रिहोस्टेट, है ना, क्या कहते हैं, आर एच ई ओ एस टी ए टी, रिहोस्टेट, ठीक है, ठीक है ना, याद रखना है ये नाम, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका कभी कभी सिंबल आपको ऐसे ही मिल जाएगा देखने को, यूं ये आपका एक ब्रेकर है, ब्रेकर मतलब करंट को रोकेगा, ठीक है, यूं कुछ इस तरीके से, इसको हम रिहोस्टेट कहेंगे। अच्छा सर एक और चीज आपको जल्दी से समझ लेनी है, क्या, ये मान लो ये लगा दिया, तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं एमीटर, एमीटर बेसिकली क्या करता है, एमीटर करंट को मेजर करता है, एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है ना, याद रखना, एमीटर क्या करता है, एमीटर करंट को मेजर करने का काम करता है, ठीक है, और इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वो भी सीरीज पैरेलल क्या है, अभी हम ये देखेंगे कैसे करते हैं, बस इतना याद रखो, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अच्छा ये क्या है सर, ये आपका वोल्ट मीटर है, क्या है, ये आपका वोल्ट मीटर है ना, क्या है ये, वोल्ट मीटर। अब सर ये क्या करता है, देखो जो वोल्ट मीटर होता है वो आपका बेसिकली वोल्टेज मेजर करता है कि कितना वोल्टेज, जैसे आपने वो देखा है, जैसे आपने वो देखा होगा कि आपके घरों में अगर स्टेबलाइजर होता है तो आप ये देखते हो ना कि अच्छा 230 वोल्ट हमेशा हमारे घरों में 230 वोल्ट ही वोल्टेज हम यूज करते हैं, अगर 230 नहीं होती तो हम उसको स्टेबलाइजर की हेल्प से 230 बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कैसे कनेक्ट होता है, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है, ये पैरेलल, अभी ये पैरेलल सीरीज के अभी हम इसको आने वाले टॉपिक में समझने वाले हैं, तो आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं। ओके सर, तो फिलहाल के लिए ही रखते हैं इतना, और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और तब तक के लिए आप इतना पढ़ाई करते रहो, और इतनी सारी चीज़ें जो भी आपको समझ में आई हैं आप कमेंट करके बता दो, आप अपना फीडबैक दे दो, आपका जो भी वैल्यूबल फीडबैक है कि हाँ सर समझ में आया है और ये चीज़ें छूट गई हैं, या फिर ये चीज़ बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है, हाँ इसका भी न्यूमेरिकल्स बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है, तो आप वीडियो मत देखो कि वीडियो बड़ा हो रहा है या वीडियो छोटा हो रहा है, जितने भी टॉपिक है आप ये देखो कि टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना, और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये बात समझ में नहीं आई, ये चीज़ें नहीं आई, पहले आप वीडियो को ध्यान से देखना है आपको, है ना, देन उसके बाद आपको फिर कमेंट करना है कि हाँ सर समझ में आया या फिर नहीं आया, आपको ये बात बतानी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, बेसिकली इसके बाद आपका ओम्स लॉ आएगा,
तो हो सकता है हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, है ना। चलो तो आप पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।